कर लिया ठीक है भाई। अब जैसे ना अभी दिल्ली से ही हैं सारे लौंडे लगभग, या फरीदाबाद, ये सब अपने आसपास का ही है, ये सब वो दिल्ली उल्ली वाला ही मामला है। इन्हें प्यार से अगर इनसे बोलो ना, प्यार से बात करनी है तो बोले इसके साढ़े को मार पड़े बैंड चुती है, ये सारा ये वो है, मतलब दिल्ली वाला ही मामला है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आएगी आपके। अच्छा अपने यार दोस्तों में ना ये सारे रिलेट भी करोगे कि जो जो नहीं पीता, मान लो मैं नहीं पीता तो ना, और तीन चार लोग, मैं सच में नहीं पीता यार, मैं सौ आदमी हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दूंगा वैसे, मेरे भाई रहने दो, वो एक अलग चीज है। तो अब भाई जो नहीं पीता ना सारे, और जो पीते हैं आप उनमें बैठ, और ऐसा होता है कि एक आधा बैठा ही है, तो जो पीने वाले दोस्त है ना उनको क्या मजा आता है कि इसको पिला दिया और इसका मुझे पता नहीं क्या सुख है, जो नहीं पीता उसको पिलाने का क्या सुख है मुझे नहीं पता। भाई क्या काम करा, महफिल बैठी हुई थी, बंदों ने बियर वियर खोली, बोला अंगूर ले ले यार, तेरे तो पथरी है ना, पथरी निकल जाएगी बहन तुम, ये अलग अफवाह फैली हुई है, पथरी हो गई बियर पी लो। अब तो माँ बाप कह देते हैं पी ले बेटा बहुत दर्द होता है, क्या जा रहा है, अपना घर में बैठ के पी ले, किसी से लड़ी हो मत अपना पी ले, माँ बाप भी बड़े वो हो गए। और ये किसी डॉक्टर ने, मेरे से किसी डॉक्टर ने निकाह के बियर पीने से निकल जाती है, लेकिन लौंडे ऐसे कन्फर्म, भाई डॉक्टर कहते हैं यार पी ले, भाई उन्होंने जो है एक वो, अब भाई पथरी का दर्द बहुत बुरा होता है भाई, मैंने कहा चल भाई लिपटाओ, और तुम्हारा भाई ऐसा है पत्थरों की बात करते हैं ना लिखाई में, मैंने दोनों किडनियों में पांच पांच छह छह पत्थर धर रखे हैं, तुम जरा सा दिल पे रख के इतनी शायरियां लिख देते हो, मैं इग्नोर कर रहा हूं, कलम ही नहीं उठा रहा। अब भाई पिला विला दिया, मामला सेट हो गया, मैं पी पा ली भाई। अब भाई मैं एक डेढ़ पैक में भाई जो उन्होंने दिया बियर का, मैं होगा उसमें बिल्कुल, तो भाई अब दुनिया बहुत अलग है। लेकिन भाई टोरा, क्योंकि भाई वो थे अपने साथ के लौंडे, तो जब आप पियो ना मत पियो, आपको अपनी इज्जत का बढ़ा रहता है कि भाई और बंदों में बेइज्जती ना हो जाए बस। तो पीने के बाद भी वो टोरा पूरा नया लड़का, और पूरा उसमें भाई कुछ ही नहीं है यार इसमें, यार फिलहाल दी कुछ हो तो नहीं, मैं सामने कुर्सी पे बैठ गया, अगर और पी लिया मैं ना उल्टी आ जाएगी, हो थोड़ी रहा कुछ, पता नहीं क्या पीते रहते हो तुम। उनका चल रहा है अलग अलग भाई, दारू भी ये भी वो भी, अब मेरे लिए बिल्कुल अलग हो चुकी है दुनिया, मुझे एक एक शब्द बड़ा धीरे धीरे निकलता दिखाई दे रहा है मेरे मुंह से, लेकिन मैं बैठा ऐसा हूँ कि मुझे चढ़ी नहीं बिल्कुल, कि भाई कल को ये ना कहते अंकुर तो एक पैक में ए, ये था ये रे। वो वाला जबरदस्ती का बना रखा है मैंने अपने अंदर के, भाई ये कल यही बोले भाई पहली बार पिलाई साले को, इसको चढ़ी नहीं भाई, मुझे बस ये सुनना उसके मुंह से, और मैं ऐसे अकड़ के बैठा हूँ बिल्कुल। तो बोले अंकुर कुछ खाएगा वाएगा, अब अंकुर का ना उठे हाथ भी, और अब नहीं पिए ना जीसा खराब हो गया, खाऊंगा नहीं, और भूख बहुत तेज लग रही, वो थोड़ी सी दूर पे चने मूंगफली ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा पता नहीं कहां तक, कभी तक ही पहुंच पाऊंगा वहां तक। और अगर इनसे बोल दी कि मेरे को दे दे तो बेचती, मैंने अंकुर आज की रात कुर्सी पे गुजार दे भाई। जैसे तैसे वो धीरे धीरे और बढ़ती है, अब वो अपने चरम पे आ रखी, आई भी गया बीच में ही होगी अपने को क्या पता चरम क्या है भाई। बैठे हुए वो कहते हैं अंकुर अंदर सो जा, उसमें अगर नींद आ रही तो, अरे यार इतनी सी नींद आ जाएगी क्या भाई, तुम पी हो देखना है मुझे तुम्हें। और अंकुर जी से उठा नहीं जा रहा, हाथ पैर ठंडे पड़े हैं बिल्कुल, लेकिन टोरा बना रखा पूरा, और वो भी साले इतने नशेड़ी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके शब्द कैसे आ रहे हैं, कुछ के कुछ बोल रहा, मेरे को अंदर अरे आसो नहीं नहीं थी, कोई नहीं भाई। इतने में दो लोगों की एंट्री हो गई रात को 12:30-12:30 बजे, वो दो लोग आए। अब जो पार्टी दे रहा है ना वो थोड़ा ऐसा है कि लौंडे आके पैर वैर छुए, भैया यार कैसे हो आप, तो वो ऐसे है कि भाई नहीं होते कि जिनको कि अरे भाई यार बैठो तुम क्या पियोगे बताओ, बताओ क्या पियोगे, तुम पियोगे क्या बताओ, भाई हो छोटे
अब उन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो पियेंगे। भैया ने बैठे बैठे फोन मारा एक को, वो सासी, भाई दो बियर लेके बाहर खड़ा हो गया। अब लेने कौन जाएगा, उन दोनों को स्कूटी चलानी आती नहीं है, वो एक दारू एक बोतल बियर सब लेकर टाइट है, वो हिल भी नहीं रहे, वो फरस पे बैठे हुए हैं, मेरा टोरा है मुझे चढ़ी नहीं। वो अंगो फटाफट बैठे, फटाफट ले पकड़ ले, फटाफट पकड़ ला, फटाफट फटाफट बैठे। हाँ बोलो भैया सूर्य पिला दे ना बैणिया, ये रात में थोड़ी बैंस, सूर्य पिला दे इनको। और भी वैसे भी तो रात में तो चूतिया पीते हैं। भैया ये दारू वारू तो चढ़ते उगते सूरज के साथ पी जाती है। तो करे ज्यादा ज्ञान मत बेल, चल ले बेड़ लिया, चाबी बेड़ ले। भाई वो जिद बहस में चाबी आ गई, क्योंकि टोरा भी तो रखना है भाई, चढ़ी थोड़ी है। और वो बोले तेरे को चढ़ गई तो बता। मैं अरे हाँ तो बोले फिर ठीक है चल ले जा, अब स्कूटी चला रहा हूं मैं, दोनों को बिठा के मैं धीरे धीरे गाली बक रहा हूं अपने हिसाब से, और वो निकल तेजी रही हो। वो ऐसा मुझे लग रहा है मैं धीरे बक रहा हूं, चूतिए आ गए हैं रात में मूत पिए ये। पनीर रखा है बैंचो, वो खा लो कुत्ते के बच्चे, इनके माँ बाप भी आराम के बच्चे जो रात में भेज दिया इनको। और तेज बक रहा हूं मैं, मुझे लग रहा मैं स्लो हूं भाई, हल्की सी चढ़ाई आ गई, मैं कहा ओ भाई गाड़ी गई पकड़ा। गाड़ी ऊपर, अब ऊपर चढ़ी तो ढलान भी आएगी, अब नीचे गया ओ पकड़ बोले ओ। और ये रात में हल्ला मचाते हुए चल रहा है, बहुत सही। ये रात में 12-1 बजे मैं हल्ला मचाते हुए जा रहा हूं रोड पे, मुझे लग रहा मैं स्लो हूं, कोई नहीं सुन रहा मुझे। वो बेचारे भी सहमे बैठे कि मैं गाली किस लेवल पे बक रहा हूं उन्हें, यानी कुछ होऊंगा। अब मैं पहुंचा सासी के पास, भाई उनसे जल्दी से बोलते नहीं है लोग, मेरी सेहत की शर्म खाई होगी उस बंदे ने। उसने बोला भैया ये लो, मैंने कहा आराम ज्यादे, 12 बजे बियर ले खड़ा हो गया तू, अभी बोलता ना मंदिर जाना मां मर जाती तेरी। वो भाई पता ही नहीं उसने कौन सी शर्म से सुनी है मेरी, नहीं तो जिस हिसाब से मैं बोल रहा था और जिस हिसाब से उसका शरीर था, वो पक्का मुझे मतलब वो छोटे से रिबॉक के बैग में पैक कर देता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भाई मैंने बिठाया डिक्की में डाली, मगा चलो गाड़ी मोड़ी और वक्त वक्त जा रहा हूं बियर पिएंगे। और थोड़ी दूर चला था, पुलिस वालों ने हाथ दे दिया, अरे उरे ने आइए गाड़ी लगाइए, पी दिया। मैं कहा कौन दारू या कोई भी नशा करने के बाद ना एक इमोशन हाई हो जाता है, कोई एक इमोशन, जिसकी गई है वो तो रोएगा ही। मतलब रैंडम है वो, एक इमोशन हाई हो जाता है। भाई मेरे अंदर हो गया कॉन्फिडेंस कि मेरे को कोई बात याद होगी, पुलिस वालों से डरना नहीं है। अब मैं अभी तो मेरी बढ़ गई है, इतना था, और पुलिस वाले मिनिमम भी 5-8-9 होते हैं, या इससे ज्यादा होते हैं मुझे पता नहीं। ये बातचीत चल रही है, वो बोल रहे हैं कि पी रखिए। मैं कहा किसने, उन्होंने बोला ज्यादा दिमाग खराब मत ना करिए, कागज निकाल। कौन से बोला ये उस स्कूटी के जो हाथी अंडा रहा है, मगर आप अपने आप देख लो जी, मेरे नहीं बताइए कागज आज मेरे बाप की बारात है, जिस टोरे में खड़ा हूं या जीत जाऊं मैं, अपने आप देख लो। भाई वो किलस्त हो गए तभी,
देखे होंगे मिल मिला के, वो बड़ा शरीफ भाई, देख भी लिया उसने, वो आया करीब, लाइसेंस दिखा कि तेरा लाइसेंस, तो मैं बोला कि क्या, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, मैं कहा जी आप पीछे हटो पायलट आदमी हूँ, घुमा के लाऊं, कहीं गाड़ी टच हुई हो तो बताओ आप, बैरिकेड नहीं काटे मैंने, टच हुई है गाड़ी, उनने जो घुमा के चाटा मारा, एक एक ही रैप्टे में सेट हो गया, रैप्टा मुड़ा मैंने पीछे देखा दोनों हंस रहे, और रैप्टा भी बिंदास लगा तगड़ा, मैंने देखा आप भाई, मेरा रोना निकल गया, वो इमोशन आई सैड वाला कि कर तो सकते नहीं, अब सियाने बिल्ली क्या करे, खंबा भी नहीं नोच सकती, भाई अब रैप्टा लगते ही मैम अंगल हमने गलत कर दी, एक मिनट इधर अंगल, हमने गलत मार दिया अंगल मेरे को, आप चलान कर देते हैं, आपने चाना मार दिया, बेस्ती कर दी जांच मेरी, आपने गलत मार दिया, मैं थी फैल गया पूरा, पुलिस वाला बोला शांत हो जाओ, चुप हो, ये करूं इब हैं, लाग गया तू, तेरे तो जो बोल उल्टा जवाब दे है, कुछ भी कर दे, आपने क्यों मार दिया, आप चलान काट देते मैं, चौथे चाटे को मार दिया, गाड़ी में आ गया तो आप चाटे को मार दिया मेरे, तो उसने भाई शांत करा, बेटे इब के करे यो बता, शांत हो जा इब बता के करे, मगा अंकल ये बोलो 100 रुपए, ये पकड़ो 100 रुपए, बोला मगा 2 दिन में ही मारो, और उल्टा करके जो उनके लठ बजे है, और हर लठ के साथ, अरे अंकुर भाई मगा के करे अंकुर भाई, थैंक यू, ठीक सही सही समझ में आया आप लोगों को।